बॉयज एंड गर्ल्स हमने सक्सेसफुली कैंप लगा लिया है। This is the northern view. You can see Gatlinburg and Balsam Point somewhere here. But right now, everywhere you smoke, it's kind of more smoky than this one. This is the most smoky scene ever existed on the Smoky Mountain. Well, this was my sport. I got them a camp. I got them a halal chicken. Otherwise, these guys were like about to. We haven't had a single bite of chicken yet. But this is a guy who got you the halal chicken. Where's the chicken? The chicken is marinating. It's getting more flavorful. He got us the halal chicken. Otherwise, we would not have come. 2,000 years later. कैंपिंग साइड मिल गया हमें, ये पकड़े जी। अब मिली कैसे है वो इंशाल्लाह एक अनदर स्टोरी है। अली भाई ये आप ले जाए, वो सामने वो स्थली पे है, किसी भी टाइम भी आपने कैंप मुझे दें। अभी हम पता क्या करते हैं, कैंप लेके जाते हैं, बाकी काम चल है जी। ये हमारे कैंप की जगह है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा कैंपिंग के स्लॉट्स हैं। ये अभी आपको नज़र तो नहीं आएगा लेकिन मतलब के 100 से ऊपर ही होंगे और लोग इधर अपने सिस्टम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बिल्कुल सेफ है, आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। अभी दाऊद भाई गए हैं, गाड़ी को ऐसे लगाएंगे इधर सामने। और यार क्या मज़ेदार तरीके से हमने ना कैम ढूंढा है, कसम से यार लेवल हो गया, लेवल हो गया लेवल। अभी फिर शुगर लगेगा इंशाल्लाह। बॉयज रेडी हैं, बॉय तो रेडी यार जाने, ये बिल्कुल छोड़ चुके थे कि हमने कैंपिंग नहीं करनी, वापस चलो नेशविल, 5 घंटे की ड्राइव या चलते हैं। और हमने कहा, मैंने और दाऊद भाई ने जिद पकड़ ली कि भाई इतने दूर कैंपिंग के लिए ऐसे कैंपिंग तो करेंगे। फिर हमने एक कैंपिंग स्पॉट ढूंढा, उस पर हाइक बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर थोड़े खजल खुआर हुए। फिर हमें ये कैंपिंग स्पॉट मिला, रिजर्वेशन कम्प्लीटेड थी, फिर भी सम हाउ हमने एक कैंपिंग की जगह ढूंढ ली। यहाँ पर अभी कैंप लगाने लगे हैं, फिर इंशाल्लाह फंक्शन करते हैं। कुतुबुद्दीन शोकर का भी सीन है, वो भी एक स्टोरी। It was crazy. It's been crazy. Boys and girls, हमने सक्सेसफुली कैंप लगा ली है। वाओ, अच्छा लग रहा है। और अभी मेन मसला ये है कि हमने टिक्के बनाने हैं। हमारे पास ग्रिल भी नहीं है, हमारे पास सीखे भी नहीं है, चिकन मैरिनेटेड है। क्या बात है, कैंप साइड ना खराब करो, डालें सर जी कोने, डालें जल्दी करें। कोयले डालने की बात नहीं है, पहले किसी चीज़ को आग पे लगाओ। पेपर शेपर है कुछ है तो खुश को, कोई खाली पेपर है। इरफान भी अपनी डिग्रियाँ लें, वैसे भी इनकी जरूरत नहीं है। गजब बेइज्जती है यार, मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने पेट्रोल नहीं लिया था? नहीं ना लिया था पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ से लिया था? गाड़ी से निकाल सकते हैं कोई पाइप है खींच के? गाड़ी से नहीं, पाइप है, पाइप से मुंह से गाड़ी में देखी थी यार, पाइप पाइप होगा तो हम खींच के निकाल लेंगे। मैं बताता हूँ, छोड़ दो तुम लोग इसको, पकड़ो उसको आग लगा। It's a kind of war between engineers and doctors. कितने कोयले डालने? आधी मैं तो कहता हूँ आधी बोरी डाल दो, और जाने नहीं देने, क्या करने हैं कोयले, बस इतना काफ़ी है जी, और कोयले डालना मुश्किल नहीं है। लेकिन चले कि बंदोबस्त करते हैं, हाँ चलते हैं। बॉडी स्प्रे से आग लगने वाली है, कपड़े को आग लगी। चेरी ब्लॉसम ये क्या है यार, आपको मेरे चरणों में ना हमेशा के लिए बैठना पड़ जाएगा, मैं आपको इनको ऑक्सीजन मिलने दे। अरे ये बंदा ना, इसको ना मैं कंट्रोल। तो भाईजान स्टेथोस्कोप की फूंकनी बनने लगी है जिससे हवा आएगी और जनाब हमारे कोयले चलेंगे। इरफान भाई की क्रिएटिविटी चेक करते हैं। दाऊद स्टिकी नोट्स दो, स्टिकी नोट्स। वाह यार, इंजीनियर्स और डॉक्टर टकर गए, कुछ तो करके छोड़ेंगे। फूंकनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इस फूकने से, लेकिन ये जोर लगा ही जा रहे हैं अंदर बाहर से। इरफान भाई के सांस है, कोयलों का मोरल और डाउन हो गया। यार क्यों नहीं जा रही हवा, जा रही है यार, अपना हाथ आगे करो, खुद कुछ करना नहीं है और अगले के आइडियाज जो आपका। इरफान भाई आते हैं आपकी बाहर आ जाते होते हैं, भाई साहब इंजीनियर जिन्होंने आसान हल निकाल लिया, और डॉक्टर देखे स्टेथोस्कोप से फूकनी मार रहे थे। यार वो फूकनी भी अच्छा ही चल रही थी भाई साहब, वो देखे डॉक्टर जो भाई साहब, डॉक्टर्स का इंजीनियर से कोई मुकाबला नहीं। डॉक्टर कंफर्म कर रहा है कि भाई गाइस आप बताएं, डॉक्टर्स का इंजीनियर्स के साथ कोई मुकाबला है क्रिएटिविटी में? नहीं ना, बस एंड ऑफ द डे। वो पैथोलॉजिस्ट हैं, वो सही वाले नहीं है।
और ये रेडियो वाले जिसके मच मच लेते वाजी वाह फाइनली टिक्के बन रहे हैं जी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। ये सारा कुछ अब बताए ना किन लोगों की काबिशों से हुआ, फाइनल स्टेप्स किन लोगों ने लिए। बस ये मुर्गी रिफान नहीं पाली, हराम खाने वाले थे जी। एक्सप्लेन कर पाता कि आज क्या क्या हुआ, लेकिन जो हुआ बहुत मजा आया। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कोई टिक्के शिके बन रहे हैं, खाएंगे थोड़े और फिर वो कैंप भी लगा हुआ है, फिर जाके सो जाएंगे और फिर अल्लाह करेसी चंगिया। पता नहीं अब आगे क्या होगा। आज तो एक ही चीज़ हमें समझ आई है, ऑलवेज बिलीव ऑन सेरेनिटी। कुछ भी नहीं मतलब के फोर गाइस स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम नेशविल टुवर्ड्स स्मोकी माउंटेंस एंड दे डिसाइडेड टू गो टू क्लिंगमैन्स डोम, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द होल ग्रेट स्मोकी माउंटेन। एनीवेज वहां पहुंचते हैं और बहुत सारी मुश्किलात से गुजर के पहुंचते हैं। रास्ते में हम एक दो जगह रुकते हैं और चिकन भी एम ही ले लेते हैं, उधर पानी मांग के एम ही उसको धो लेते हैं। इस तरह ना इरफान भाई की वजह से चिकन मिल जाता है और मसाला और किसी की वजह से नहीं। हाँ, टिक्का मसाला जो लगा है वो अरबी टिक्का मसाला शान नेशनल भी नहीं मिला। और फिर उधर हम धोते हैं निकलते हैं, मसाला लगाते हैं, हम निकलते हैं और हम पता नहीं क्या क्या करके उस फाइनली क्लिंगमैन्स डॉम पे पहुँचते हैं। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे साथ प्रैंक हो गया, क्योंकि उधर जो जो हमने लगाया हुआ था जो कैंपिंग स्पॉट का मैप, तो वहाँ से पता चला हमने आगे 5 माइल और वॉक करके जाना है कैंपिंग के लिए, प्लान कैंसिल। फिर उधर सिग्नल भी कम। एनीवे क्रेडिट जाता है डॉक्टर अली को, डॉक्टर अली जिन्होंने ये हमें स्पॉट ढूंढा। क्या नाम है जी? कैमरे की तरफ देखे हाथ ला दें। स्मोक माउंट कैंपिंग एरिया D4। तो हम यहाँ पर आए D3 और यहाँ पर आए तो बहुत सारे रिजर्व थे, आपको आपस में बात बता रहे हैं। और खाली था, बताना नहीं आपने किसी को, खाली था। हमने इधर गाड़ी लगाई, हमने इधर कैंप लगाया और टिक्के कोई ऑयल शेल कोई कोयले ले आए थे जलाने का, कोई मामला कोई नहीं, बस शर्ट जला दी, टिक्के बन गए। पसीने वाली जो शर्ट थी ना वो हमने जला दी इस आग में इरफान भाई की अस्थियां हैं। एनीवेज तो अभी टिक्के खाएंगे और फिर इंशाल्लाह गपशप मारेंगे, सोएंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे नैशविल। तो आपको इस पूरे सिलसिले में अपने साथ रखेंगे, लेकिन आपने एक काम करना है, आपने लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि देखिए ये फन आपको नहीं मिलेगा। लाइव दिखा रहा हूँ, हाइकिंग पे जा रहे हैं स्मोकी माउंटेन्स और प्लान है ही नहीं, और सब कुछ करना है, कैंपिंग भी करनी है, टिक्के भी करनी है, बस ये होती है एडवेंचर्स। और क्या चीज़ सीखी है, क्या सीखी है हमने? तो पीस आउट।